हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता आपका स्वागत करती हूँ कविता जिंदोरी जायका में। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही आसान सी रेसिपी, आलू पालक। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 250 ग्राम पालक, 250 ग्राम आलू, आधा प्याज जिसे मैंने बारीक काट लिया है, गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा, राई, लाल मिर्च पाउडर, नमक, तड़का लगाने के लिए 2 चम्मच तेल और आधी चम्मच अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट। आलूओं का छिलका उतार कर हम इन्हें बारीक टुकड़ों में काट लेंगे इस तरह से, और पालक को भी काट लेंगे बारीक। आलू पालक की सब्जी मैं कुकर में बना रही हूँ। कुकर में 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गर्म होने पर 1/4 चम्मच राई डालेंगे, 1/4 चम्मच जीरा डालेंगे, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल लेंगे। इसे मिक्स करके प्याज डाल लेंगे। प्याज को लो फ्लेम पर हम 2 मिनट तक भून लेंगे। प्याज भून चुके हैं, अब हम डालेंगे आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इन सभी को मिक्स करने के बाद हम लो फ्लेम पर 1 मिनट तक भूनेंगे। देखिए, मसाले अच्छे से भून चुके हैं, अब हम इसमें आधा ग्लास पानी डाल देंगे। आलू और पालक भी डाल लेंगे। आधा चम्मच नमक डाल देंगे। इन्हें मिक्स कर लेंगे। प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके 1 सीटी ले लेंगे। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। प्रेशर कुकर को रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देते हैं। प्रेशर कुकर का ढक्कन खोल लेते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, सब्जी बहुत अच्छी बनी है। गर्मा गर्म आलू पालक को रोटी, पुलाव या नान के साथ सर्व करें। आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, और भी इस तरह की रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।